दोस्तों, जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर एल्सो शेयर टू फिट का एक ऑप्शन आता है। जैसा कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रील्स में अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन हमारे को देखने को मिलता है, एल्सो शेयर टू फिट। अब काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब होता है, कि इसको अगर हम इनेबल करें तो क्या होगा और इसको हम डिसेबल करें तो क्या होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है एल्सो शेयर टू फीड, यानी कि जो फीड होती है इंस्टाग्राम की, फीड का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल पे यहाँ पर एक फीड होती है। एक फीड होता है, एक रील्स होता है, उसके बाद IGTV और इधर टेक का आता है ऑप्शन। तो फीड पे अगर आप इसको दिखाना चाहते हो अपने रील्स को, तो सिंपली आपको इसको इनेबल करना है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इसको आपको बंद करना होगा। अभी मैंने यहाँ पर डिसेबल किया है। अब जो मैं रील्स अपलोड करूँगा वो फीड पे नहीं दिखेगी, वो खाली रील्स के ऑप्शन में आपको शो करेगी। अगर मैं आपको फीड में भी इसको दिखाना है तो इसको सिंपली इनेबल करके आप इसको शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मतलब इसका यूज कर सकते हो। बाकी इसका कोई भी इतना मतलब नहीं है, बस इतना ही मतलब है कि इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो ये फीड में दिखेगा और इसको आप डिसेबल करेंगे तो ये फीड में नहीं दिखेगा, और यानी कि ये ओनली रील्स में ही ये आपको शो करेगा मतलब। सो इतना सा ही वीडियो है। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।